कोई एब्सेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी ट्रेनिंग पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एग्जाम होने वाले हैं इवन सेमेस्टर के, जो कि आप जानते थे कि ऑनलाइन हो रहे थे, लेकिन अभी मैं आपको एकदम लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि अब आपका जो कि BTUP का ऑनलाइन एग्जाम अब नहीं होने वाला है, अब आपका जो एग्जाम होगा वो होगा ऑफलाइन। किस तरीके से क्या होने वाला है सब कुछ बताऊंगा, तो बस वीडियो को अंदर देखना है, जरा भी यहाँ पर स्किप मत करना, नहीं तो आप पूरी न्यूज़ नहीं जान पाएंगे और बस आप यहाँ पर यही जान पाएंगे कि अब आपका एग्जाम ऑफलाइन ही होगा और किस तरीके से होगा यह आप नहीं जान पाएंगे। तो बिल्कुल से आपको वीडियो के अंदर देखना है, जरा भी यहाँ पर स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, जहाँ पे आप जाके ज्वाइन करिए, जैसे कि मैं जो भी मुझे यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ मिलती सबसे पहले मैं आपको वहीं पर बता देता हूँ, जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें जो भी आपके पास लेटेस्ट न्यूज़ मिले ईमेल के माध्यम से आप हमारे पास भेज सकते हैं, जो कि आपको हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, या फिर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को भी देख के ईमेल आईडी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप जाके हमारे चैनल के अबाउट में भी चेक कर सकते हैं, जो कि बिजनेस इंक्वायरी के लिए हमारी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी। वहां से जब भी आपको कोई लेटेस्ट न्यूज़ मिले जरूर से यार हमें आप मेल कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपके जो भी यहां पर साथी हैं सबको एक बराबर सही न्यूज़ पहुँचा सकें। तो ज़रूर से आप हमारी हेल्प करिए, हम आपकी हेल्प ज़रूर से करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप सेकेंड सेमेस्टर के हों, फोर्थ सेमेस्टर के हों, या फिर सिक्स सेमेस्टर के हों, तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिलेंगे जो कि 20 जून से मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। तो जरूर से यार आप इतना कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि लेटेस्ट न्यूज है कि एग्जाम कराने की पूरी तैयारी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यूज़ पहले यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा हो तो, जुलाई से शुरू होने हैं एग्जाम, छुट्टी के दिन भी पढ़ाई कराने का या निदेशालय से आदेश। अब यहाँ पर आप देखिए कोई भी छुट्टी अब आपके इंस्टीट्यूट पर नहीं की जाएगी। चलिए हम आपको पूरी न्यूज़ बताते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट को अब छुट्टी के दिन भी पढ़ाई करनी होगी। दरअसल एग्ज़ाम का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक 60% तक कोर्स अधूरा, जो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमारा अभी पूरा कोर्स ही नहीं कम्प्लीट हुआ है तो किस तरीके से हम एग्ज़ाम देंगे। तो यहाँ पर आपके जो भी यहाँ पर डाउट थे सभी आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसे गंभीरता से लेते हुए डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने कोर्स पूरा कराने के लिए छुट्टी और सार्वजनिक अवकाश वाले दिन भी पढ़ाई कराने का आदेश दिया है। हालांकि एग्ज़ाम कराने के आदेश के बाद संस्थानों के टीचर्स में जबरदस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जबरदस्त नाराज़गी है, वहीं स्टूडेंट भी एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जैसे कि आप कुछ सारे स्टूडेंट आप में से मांग कर रहे हैं कि सर अभी हमारा एग्ज़ाम कैसे कराया जाएगा, जबकि हमारा यहाँ पर पूरा कोर्स ही यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपका कोर्स पहले कम्प्लीट कराया जाएगा, तभी आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, और किस तरीके से लिया जाएगा मैं आपको पूरा यहाँ पर बताऊँगा। क्या है लेटेस्ट न्यूज़ ये भी बताऊंगा, किस तरीके से ऑफलाइन, किन का ऑफलाइन होगा, किन का नहीं होगा। तो अभी तक आपने वीडियो को अगर स्किप कर दिया है तो आप नहीं जान पाएंगे, बिल्कुल से भी स्किप मत करना। चलिए देखते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरनेट मीडिया पर अभियान। अरे ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाने को लेकर बड़ी संख्या में स्टूडेंट इंटरनेट मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। कुछ ने शासन और मुख्यमंत्री भी ट्वीट किया है। राजकीय अनुदानित और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों की परीक्षाएँ अगले महीने 15 जुलाई से प्रस्तावित हैं। छात्रों को बिना एग्ज़ाम प्रमोट ना करने का निर्णय हुआ है। पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, जबकि लास्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इंस्टीट्यूट में एग्जाम होंगे। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ है कि जो पहले और सेकंड ईयर, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर का जो कि सेकंड सेमेस्टर में है, सेकंड ईयर जो कि फोर्थ सेमेस्टर में, इन दोनों का जो कि यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम ही होगा, यहाँ पर प्रमोट तो नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 जुलाई से प्रस्तावित है, छात्रों को बिना एग्ज़ाम प्रमोट ना करने का निर्णय हुआ है। मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली बार जैसे कि प्रमोट कर दिया गया था और अच्छा खासा परसेंटेज भी बन गया था उन स्टूडेंट का, लेकिन इस बार जो कि प्रमोट नहीं किया जाएगा, अब सेकंड और
सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वालों का ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, साथ ही साथ थर्ड सेमेस्टर जो कि थर्ड ईयर में है बोले तो फर्स्ट सिक्स सेमेस्टर में, तो उनका एक नॉर्मल एग्जाम जैसे कि आप जानते हैं ऑफलाइन पहले आपका होता था उसी तरीके से ऑफलाइन एग्जाम उनका लिया जाएगा। तो ये थी सिक्स सेमेस्टर वालों के लिए ही बस यहाँ पर ये नियम लागू होता है कि उनका ही बस ऑफलाइन एग्जाम होगा। जैसे कि आप जानते हैं इनका जो सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ा होता है। लास्ट ईयर जो कि यहाँ पर आप जानते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि आप मौखिक नहीं पूछ सकते हैं, साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे सिलेबस हैं जो कि एग्जाम लिखित द्वारा ही दिया जा सकता है, इसलिए सिक्स सेमेस्टर का यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड में जो भी हैं मतलब कि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर उनका तो ऑनलाइन एग्जाम ही होगा, उनको इनके लिए यहाँ पर छुट्टी नहीं लिया जाएगा। तो इस निर्णय के बाद संस्थान के अधिकारियों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, मतलब कि सारे स्टूडेंट अभी फिलहाल यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम के लेकर परेशान हैं। लास्ट ईयर स्टूडेंट के लिए फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, उनके लिए ऑब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चन पेपर तैयार किए जा सकते हैं, जबकि लास्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर पहले से ही तैयार करना है और साथ ही साथ संस्थाओं को ऑनलाइन इस निर्णय पर निर्णय नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं उनको पूरे तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा जो कि सेकेंड सेमेस्टर में है और फोर्थ सेमेस्टर में है, लेकिन सिक्स सेमेस्टर वालों के लिए बिल्कुल छूट है, वहाँ पर वो ऑफलाइन ही देंगे, अपने ही इंस्टीट्यूट में देंगे या फिर सेंटर के माध्यम से बताया जाएगा। जैसे कोई इलेक्शन न्यूज आती है अगर आप सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ज़रूर से यहाँ पर इन्फॉर्म करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अब आगे देखा जाए तो यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट में 40% कोर्स बाकी है, ज़्यादातर संस्थानों में इवन सेमेस्टर का 50-60% कोर्स बाकी है, इसे पूरा करने के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग ना छुट्टी ना सार्वजनिक अवकाश के दिन भी पढ़ाई करने का निर्देश दिया गया है। प्रिंसिपल एडओडी और अन्य फैकल्टी को जल्द से जल्द कोर्स कराने के लिए कहा गया। डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रदेश के सभी संस्थानों के अधूरे कोर्स की रिपोर्ट मंगवा ली है या ऑनलाइन पढ़ाई की है। कुछ संस्थानों में 60% कोर्स भी अभी बाकी है। तो इस तरीके से यही थी लेटेस्ट न्यूज जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जानना, तो हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया। आगे देखा जाए तो यहाँ पर पॉलिटेक्निक संस्थानों के प्रिंसिपल को निर्देश जारी कर दिया गया कि ऑनलाइन पढ़ाई में छात्रों को किसी तरह की समस्या ना हो उसके लिए पूरा ध्यान रखने के लिए कहा गया है। निदेशालय के अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा सके। मनोज कुमार जो कि डायरेक्टर हैं ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन के। तो ये थी आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़। और हाँ दोस्तों, आगे भी इस तरीके की कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आए और आपके पास जल्द जल्द पहुंच जाए तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर ये जो कि आपको मिल जाएगा ये पोस्ट। और जहाँ दोस्तों एक बात और आपके पास जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आए इससे रिलेटिव तो आप हमें ईमेल के माध्यम से भेजिए, जिससे कि हम जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हैं हम सबको एक समान रूप से बता सकें और वो भी अपने अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। तो ऐसा करते हैं, आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जो भी अभी तक यहाँ पर नहीं जान पाए हैं कि किस तरीके से क्या एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि अभी ऑफलाइन की न्यूज़ आ चुकी है जो कि बस सिक्स सेमेस्टर के लिए है और फर्स्ट में जो कि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर इन दोनों का तो यहाँ पर फिलहाल वही पुराने तरीके से मतलब कि ऑनलाइन ही होने वाला, जो कि पहले ही आपको न्यूज़ में बता दिया गया था। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।